चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी बकचोदी बकवास के। दोस्तों, फनी देओल की गदर 2 का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, पता नहीं क्या फनी देओल पाजी ने कसम खा ली है क्या, 1000 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं होगा तब तक नहीं रुकेगी कमाई। पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि गदर 2 की कमाई में कोई गिरावट नहीं पड़ेगी क्योंकि आज फिल्म को रिलीज हुए 6ठा दिन है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दोस्तों, वही अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 भी तूफान बनकर आ गई है बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों, गदर 2 के सामने अक्षय भाई की ओ माय गॉड 2 भी जबरदस्त कमाई करती जा रही है दोस्तों। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने सभी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए है। दोस्तों, साउथ में रजनीकांत की फिल्म जेलर ने जीरो कर दिया सभी फिल्मों को। जेलर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर घोषित हो गई है दोस्तों। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गदर 2, ओ माय गॉड 2 और जेलर की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और जानेंगे कि दुनिया भर में इन तीनों फिल्मों ने कितनी कमाई की है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दोस्तों, इन तीनों फिल्मों में से आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, रजनीकांत की जेलर फिल्म ने 2023 की सभी साउथ की फिल्मों को जीरो कर दिया कमाई के मामलों में। दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि जेलर फिल्म 1500 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी। दोस्तों, जेलर फिल्म 5 भाषाओं में रिलीज हुई थी और 5 भाषाओं में अच्छी कमाई की है। पर दोस्तों, हिंदी भाषा में गदर 2 और ओ माय गॉड 2 ने अपना फिक्का चला रखा था, इसलिए जेलर ने ज्यादा कमाई नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पर। अब दोस्तों, बात करें जेलर की टोटल कलेक्शन की तो 200 करोड़ के बजट में बनी है फिल्म। दोस्तों, रजनीकांत की जेलर फिल्म ने पहले दिन इंडिया में 50 करोड़ पार कर लिए थे। वही दोस्तों, फिल्म का दूसरे दिन इंडिया नेट कलेक्शन 40 करोड़ रहा था। और दोस्तों, 5वें दिन फिल्म का कलेक्शन ऑल इंडिया में 71 करोड़ रहा है। दोस्तों, 6ठे दिन जेलर फिल्म ने 4 करोड़ की कमाई की। दोस्तों, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है जेलर फिल्म को। और हाँ दोस्तों, साउथ सुपरस्टार रजनीकांत भाई के फैन एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बॉलीवुड की खिलाड़ी अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 फिल्म की। तो दोस्तों, अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करती जा रही है। दोस्तों, ओ माय गॉड 2 गदर 2 के सामने काफी अच्छा कलेक्शन करती जा रही है। दोस्तों, अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 ने पहले दिन ऑल इंडिया में 200 करोड़ का बिजनेस किया था। दोस्तों, अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 ने ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 10 करोड़ का बिजनेस किया था। दोस्तों, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन को मिलाकर बॉक्स ऑफिस पर ओ माय गॉड 2 ने बहुत ज्यादा कमाई की है 500 करोड़ रुपए की। दोस्तों, ओ माय गॉड 2 पूरी दुनिया भर में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। दोस्तों, गदर 2 फिल्म ने सभी लोगों का मुंह बंद कर दिया जिन्हें ऐसा लग रहा था कि फिल्म बकवास है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म काफी दिनों तक चलेगी क्योंकि सिनेमाघरों में रुकने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, आज फिल्म को रिलीज हुआ 6ठा दिन है और फिर भी ऐसी भीड़ जा रही है कि समझ नहीं आ रहा है। ऐसी भीड़ तो दोस्तों बड़े बड़े स्टारों की फिल्म रिलीज होने पर भी नहीं होती, जैसे गदर 2 की हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि गदर 2 फिल्म दिन बे दिन रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है कमाई के मामलों में। Love you. तो दोस्तों, बात करें गदर 2 की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो पहले दिन 50 करोड़ का बिजनेस किया था पूरी इंडिया में। दोस्तों, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन फिल्म ने 800 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। दोस्तों, गदर 2 फिल्म एक लंबी रेस का घोड़ा है, अभी ये फिल्म रुकने वाली नहीं है। दोस्तों, सभी फिल्मों को धूल चटा देने वाली है गदर 2 फिल्म। तो दोस्तों, तीनों एक्टरों में से आप किसकी फैन हो कमेंट में जरूर बताएं। और हां, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टाइम, टाटा बाय बाय। दोस्तों, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, सिस्टम पार देंगे दोस्तों। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे।